हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डू बार ग्राफ। व्हाट इज बार ग्राफ? अ बार ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ मीन्स इक्वल विड्थ, उनकी चौड़ाई बराबर होगी। एंड द लेंथ ऑफ द बार्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, बार्स उतने ही बड़े बनेंगे। द ग्राफ रिप्रेजेंट वन यूनिट लेंथ फॉर वन ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारी वन यूनिट लेंथ होगी, जिसको भी हम वन यूनिट लेंगे, वो एक ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। एंड इफ इट हैज़ टू शो नंबर इन टेंस और हंड्रेड, 20 है, 25 है, देन वन यूनिट लेंथ कैन रिप्रेजेंट 10 और 100 ऑब्जर्वेशन। हम उसी हिसाब से उसकी लेंथ लेंगे। वन यूनिट लेंथ अगर हमने यहाँ पे 10 लिया है, तो ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ सी द क्वेश्चन। क्लास फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135, 120, 95, 100, 90, 80। हेयर मिनिमम इज 80 एंड मैक्सिमम इज 135। हमें ये ग्राफ पेपर पे बार्स की हेल्प से शो करना है। अगर हम 10-10 के इंटरवल पे इसको लेंगे, वन यूनिट लेंथ को अगर 10 रिप्रेजेंट करेंगे, देन इट विल बी अप टू 140, 0 to 140। 14 का ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए हम इसे 80 से 140 का बनाएंगे। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। दिस लाइन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। नाउ वी, दिस पॉइंट विल बी ओरिजन। हेयर वी राइट 0। दिस इज फिक्स ओरिजन पॉइंट वेयर टू एक्सिस मीट इज 0। आफ्टर दैट आई हैड रिटन 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड 140। सी, हेयर वन यूनिट मीन्स 10। दिस इज द गैप ऑफ 10। हेयर आल्सो 10, हेयर आल्सो 10, हेयर आल्सो 10। बट इन द फर्स्ट वन दिस गैप इज 80। दिस इज रॉन्ग। सो हेयर वी मार्क वन सिंबल लाइक दिस। दिस इज किंग साइन। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है और बाकी ये डिफरेंस कम है, डिफरेंस हमेशा ये सारा इक्वल होना चाहिए। ये हमारा डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे एक किंग साइन बनाएंगे। नाउ इट विल बी ओके। इट विल, इट मीन्स दैट आवर ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम 80। नाउ फर्स्ट इज 135। मार्क हेयर ऑन 135 एंड मेक बार। नेक्स्ट 120। हेयर आई मार्क 120 एंड मेक दिस रेक्टेंगल। देन 95 लाई बिटवीन 90 एंड 100, सो आई टेक हेयर 95। देन 100, यहाँ पे 100 है, तो हमारा ये यहाँ पे 100 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 90, ये 90 हो गया। इनके बीच में इक्वल गैप आएगा, इनकी विड्थ सबकी बराबर होगी। अगर यहाँ मैंने 10 स्मॉल बॉक्सेस लिया है, तो सब में स्मॉल 10 बॉक्सेस ही होगा। हेयर दिस वन इज 80। नाउ दीज आर दी क्लासेस। राइट डाउन क्लास फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। एंड दीज आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नाउ मेक की
वन बॉक्स रिप्रेजेंट टेन चिल्ड्रन. दिस इज आवर ग्राफ. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल बार ग्राफ. सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST. इन फर्स्ट टर्म आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश स्कोर 67, हिंदी 72, मैथ्स 88, साइंस 81, SST 73. इन सेकेंड टर्म इंग्लिश 70, हिंदी 65, मैथ्स 95, साइंस 85, SST 75. नाउ वी विल मेक डबल बार ग्राफ. ड्रा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. हेयर मिनिमम इज 65 एंड मैक्सिमम इज 95. हम इसको 10-10 के गैप पे बना सकते हैं. दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ओरिजन पॉइंट. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, up to 100. नाउ अब हम इसको एक ही ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे. तो हम इसे इसकी विड्थ 5-5 बॉक्सेस लेंगे, 5 स्मॉल बॉक्स 5 स्मॉल बॉक्स, और लेंथ इसकी बनेगी अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी. जो फर्स्ट टर्म है उसमें इंग्लिश के मार्क्स है हमारे 67, तो हम 67 पे मार्क कर देंगे. और सेकंड टर्म में इंग्लिश के मार्क्स है 70, हम 70 पे मार्क कर देंगे. 5 स्मॉल बॉक्सेस फॉर फर्स्ट टर्म, 5 स्मॉल बॉक्सेस फॉर सेकंड टर्म. उसे एक ही बॉक्स के अंदर शो करेंगे और इसको मार्क कर देंगे. दिस इज इंग्लिश. नेक्स्ट हिंदी. हिंदी फर्स्ट टर्म ही स्कोर 72 मार्क्स, हम 72 पे मार्क कर देंगे. 5 स्मॉल बॉक्स फॉर हिंदी इन फर्स्ट टर्म एंड 5 स्मॉल बॉक्सेस फॉर हिंदी इन सेकंड टर्म. 65 पे मार्क कर देंगे एंड ज्वाइन देम. दिस इज हिंदी. नाउ नेक्स्ट मैथ्स. इन मैथ्स फर्स्ट टर्म ही स्कोर 88 मार्क्स, यहाँ पे हम 88 को मार्क कर देंगे और सेकंड टर्म के लिए 95 को मार्क कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे. सबके बीच में हम 1-1 बॉक्स का गैप ले रहे हैं, ये गैप इक्वल होना चाहिए. दिस इज मैथ्स. नेक्स्ट साइंस. फर्स्ट टर्म साइंस में 81 मार्क्स है, हम 81 पे मार्क कर देंगे. साइंस सेकंड टर्म 85 मार्क्स है, हम 85 पे मार्क कर देंगे और इसको स्केल से ज्वाइन कर देंगे. देन SST इन फर्स्ट टर्म ही स्कोर 73 मार्क्स, 73 पे मार्क कर देंगे. सेकंड टर्म 75 पे मार्क कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे. वी मेक डिफरेंट डिज़ाइन फॉर बोथ द टर्म्स. इसको डार्क से शेड कर लिया और इसको ब्लैंक छोड़ दिया. अब जब हम स्केल बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस फिल्ड बॉक्स रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म, एंड दिस ब्लैंक बॉक्स रिप्रेजेंट सेकेंड टर्म. दीज आर सब्जेक्ट्स English, Hindi, Math, Science, SST. And these are marks.
Now see, some questions are also given here. In which subject has the child improved his performance the most? किस सब्जेक्ट में चाइल्ड की इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा हुई है? 67 to 70 ही इम्प्रूव 3 marks, हेयर ही गेट डाउन 88 to 95, 81 to 85 4 marks, 73 to 75 2 marks. उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैथ्स में की है. इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है? सबसे कम इम्प्रूवमेंट SST में हुई है. इम्प्रूवमेंट हुई है लेकिन कम हुई है, हिंदी में वो डाउन गया है. हैज़ द परफॉर्मेंस गोज डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गई है? येस इन हिंदी, हिंदी में 72 से उसके मार्क्स 65 हो गए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द क्वेश्चन, देन मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड चूज योर स्केल. कि आप 10-10 के गैप पे लोगे, अगर हंड्रेड्स में दिया हुआ है ये डाटा तो आप उसे 100-100 के गैप पे बनाओगे, 100, 200, 300, 400. और अगर वो 1000 में दिया हुआ है, 1000, 1050, 1200, तो आप उसको 1000 के गैप पे बनाओगे, 1000, 2000, 3000, 4000.